फ्रेंड्स, आपके पास आपका वोटर कार्ड है, चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड पुराना हो ब्लैक एंड व्हाइट, चाहे आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो रंगीन हो कलर, जो कि अब पीवीसी वाले जो वोटर कार्ड है वो आ रहे हैं। देखिए, उसमें एक अपडेट आया है। अपडेट ये है कि जो भी लोग का वोटर कार्ड है उनको अब अपना जो आधार कार्ड है वो आपको वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराना होगा। आप लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट अपनी नई नई सर्विस को लॉन्च करती रहती है। कभी आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक किया जाता है, कभी पैन कार्ड से, कभी ड्राइविंग लाइसेंस से, कभी ड्राइविंग लाइसेंस से, कभी बैंक अकाउंट से। यानी कि आपको जो आपका आधार कार्ड है वो आपको लिंक कराना ही कराना है, चाहे आपकी कोई भी किसी भी तरीके की सर्विस हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर पीसी उससे कैसे आप अपने आधार कार्ड को अपने वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर सकते हैं। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये सारे जो स्टेप है वो अब आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। देखिए, वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को हम शो करते हैं। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नया सीखो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अगर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड में अपने आधार कार्ड को लिंक करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस पेज को ओपन कर लेना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। जब भी आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे यहां पे पहुंच जाएंगे। देखिए, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इंटरफेस आप देख सकते हैं कुछ यहां पे इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, तो इसी पेज में आपको अपने आधार कार्ड को लिंक करना है वोटर आईडी कार्ड से। करना कैसे है, देखिए, सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बना लेना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको डायरेक्ट यहां से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अपने अकाउंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करना है वो भी हम आपको देखिए बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे ये जो लॉगिन वाला सेक्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए, यहां पे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड और ये जो सिक्योरिटी कोड है ये आपसे मांगा जा रहा है। अगर आपके पास पहले से आपका अकाउंट है तो आपको लॉग इन कर लेना है, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको डू नॉट हैव रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूजर इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना होगा, जो कि आपका जब आपने अपना वोटर कार्ड बनवाया था उस टाइम पे दिया था, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसी से ही आपका अकाउंट बनेगा। अगर आपका वो मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो आप नए मोबाइल नंबर डाल के भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, शायद आपका अकाउंट बन जाए। इसको कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल के और कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल लिया है और यहाँ पे जो कोड डाल दिया है, उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया है तो आपके जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेना है। देखिए, ओटीपी हमारे पास आ चुका है तो ओटीपी हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओटीपी हमने इसमें डाल दिया है, वेरीफाई पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए, जब आप इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ से देखिए इस तरीके से पूरा ये एक फॉर्म आपका छोटा सा खुल जाएगा। देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, आई हैव एपिक नंबर, आई डोंट हैव एन एपिक नंबर। अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है तो देखिए कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और कन्फर्म पासवर्ड डाल के आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास एपिक नंबर है तो आपको यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक करना है, आई हैव एपिक नंबर। देखिए, यहाँ पे आपको एपिक नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है और यहाँ पे फिर से आपको एक बार पासवर्ड डाल लेना है। ठीक है, आप इन पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इसको रजिस्टर्ड कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कर सकते हैं और वहां पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, देखिए लॉगिन करना कैसे है वो भी हम आपको बताते हैं। उसके बाद आपको यहां पे देखिए दिख रहा है लॉगिन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा तो वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो हम इसको अभी लॉगिन करके आपको बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना यूजर नेम डाल दिया है, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे हमने जो कैप्चा है वो डाल दिया है और उसके बाद हम इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देखिए,
ये लॉगिन यहाँ पे हो चुका है, देखिए डैशबोर्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए रजिस्टर्ड एज अ न्यू इलेक्ट्रिक वोटर, रजिस्टर्ड एज ओवरसीज इलेक्ट्रिक वोटर। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड वाले ऑप्शन आपको दिख रहा है इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है अगर आपको अपना आधार नंबर लिंक करना है अपने वोटर आईडी कार्ड से उसके लिए, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रारूप फॉर्म टाइप आ रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि कौन सा फॉर्म किस काम के लिए है। देखिए फॉर्म 6 नए मतदाता के रूप में आपको अगर आवेदन करना है तो फॉर्म 6 आएगा, और प्रारूप 6A प्रवासी मतदाताओं के रूप में आवेदन पत्र, यानी कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया है तो 6A आपके काम आएगा। 6B देखिए 6B आपको हमने बताया है मौजूदा निर्वाचकों द्वारा आधार संख्या की जानकारी के लिए, यानी कि आपको अपना जो लिंक कराना है आधार कार्ड उसके लिए 6B फॉर्म, पहले ये नहीं था, ये अभी इसको लॉन्च किया गया है इस पोर्टल पे, इसको आपको करना है। देखिए प्रारूप 7 मतदाता सूची में आपत्ति और नाम हटाने के लिए, यानी कि आपका आपका जो वोटर कार्ड है वो आप डिलीट कराने के लिए या आप अपने जो भी उसमें प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। प्रारूप 8 देखिए आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, देखिए उसको सुधार स्थानांतरण डुप्लीकेट ईपीआईसी और पीडब्ल्यूडी के अंकलन के लिए आवेदन, अगर आपको अपना जो वोटर कार्ड फॉर्म है उसको कहीं शिफ्ट करना है, मान लीजिए आप आज कहीं और हैं और आप कल अगर कहीं और चले गए हैं तो उसको शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे प्रारूप 8 बनाया गया है, लेकिन हमें जाना है फॉर्म प्रारूप 6B पे, ठीक है। तो हम इस पे यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्म 6B पे आप क्लिक कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका इंग्लिश का फॉर्म खुलेगा, और अगर आप हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका हिंदी में फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे, देखिए इंटरफेस कुछ यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 6B लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर फॉर द प्रपोज ऑफ इलेक्ट्रोल रोल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनका स्टेट आ चुका है, यहाँ पे इनकी असेंबली आ चुकी है, और इनका फर्स्ट नेम आ चुका है, लास्ट नेम इनका यहाँ पे है नहीं है, और यहाँ पे एपिक नंबर आ चुका है, और यहाँ पे आप इनको मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको और थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे इनको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे इनको ईमेल आईडी डालनी है, और उसके बाद यहाँ पे इनको आधार नंबर डाल के अपना प्लेस डाल के उसको कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे इसको प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास इनका वोटर कार्ड है, इस वोटर कार्ड में हम इनका आधार लिंक करके आपको बता रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हम इनका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, इनका जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई हैव एन आधार नंबर, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव अ आधार नंबर, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर, ये ऑप्शन है, इसमें पता नहीं इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक नया ऑप्शन जो है वो ऐड कर दिया है, ये यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है फिलहाल के लिए तो आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपना लिंक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एनरेगा जॉब कार्ड है, पासबुक, हेल्थ स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, सर्विसेज आइडेंटिटी, ऑफिशियल आइडेंटिटी इशू कार्ड बाय MP, MLA, MLC और यूनिक आइडेंटिटी आईडी UDID का, यानी इतने सारी आईडी प्रूफ है, इनको अगर आप दे सकते हैं अगर आपका फिलहाल में अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आपका आधार कार्ड नहीं बना है, लेकिन अभी इस चीज को कंफर्म नहीं किया जा सकता कि इससे आने वाले टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है तो हम इनका अभी आधार कार्ड यहाँ पे इसको लिंक करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनका आधार नंबर डाल के अभी इनको प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए हमने इनका आधार नंबर डाल दिया है, और यहाँ पे आप प्लेस डाल दीजिए, जिस भी जगह पे आप रहते हैं वहां का आपको प्लेस डालना है। यहाँ पे देखिए डेट आ चुकी है, और यहाँ पे ये आपको कोड डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको प्रीव्यू पे इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 6B, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इनका जो नेम है वो नेम आ चुका है, इनका एपिक नंबर आप चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं है, इनका मोबाइल नंबर आ चुका है, और यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी आ चुकी है, और इनका जो आधार कार्ड है वो हमने अभी यहाँ पे आधार कार्ड डाला है। और देखिए अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ भी गलत है तो आप यहां से इसको बैक कर सकते हैं, फिर से उस चीज को सही कर सकते हैं जो भी आपने अभी फिल किया है उसमें अगर कोई कमी है तो, ठीक है। और इस पे आपको सबमिट कर देना है। देखिए हम आपको एक बात और बता दें, अगर आपके नाम में कुछ और स्पेलिंग है और आपके आधार कार्ड में कुछ और स्पेलिंग है तो आपका आधार लिंक नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। एरर क्या आएगा आने वाली वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि किस तरीके का आपके आधार कार्ड में जब आप लिंक करेंगे तो वो क्या एरर आएगा आपके वोटर कार्ड में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो यहाँ पे सबमिट पे हम इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए
आपने जब इस पे सबमिट किया तो देखिए यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म एनबीएफसी योर फॉर्म रेफरेंस आईडी। देखिए यहाँ पे इनकी रेफरेंस आईडी आ चुकी है, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए आपको इसका अगर स्टेटस ट्रैक करना है तो आप इसको यहां से कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए इसको, कंट्रोल सी या राइट क्लिक आप कॉपी करके इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पे लिखा हुआ है यू कैन ट्रैक फॉर एप्लीकेशन स्टेटस हियर, तो आपको यहां पे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए सर्च बाय रेफरेंस नंबर, तो यहां पे इसको यहां पे इसको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अभी यहां पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, अभी ये यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा यानी कि एक या दो दिन के बाद अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेटस है वो चेक करा देगा कि आपके वोटर कार्ड में आपका आधार लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने घर पे बैठे ही अपने वोटर कार्ड में अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, चाहे आप अपने फैमिली में किसी का भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का। आप उनका जो वोटर कार्ड में आधार कार्ड है आप अपने घर पे सेल्फी अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, पीसी से, किसी से भी कर सकते हैं। हमने आपको देखो बताया था कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हो चुका है। आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के साथ में वो जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिए और उस पर ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए। और अगर वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे जो भी आपकी हेल्प होगी हम आपकी हमेशा हेल्प करने की कोशिश करेंगे।